उसका फाइनल ईयर है, वो तो फाइनल ईयर है, लेकिन थर्ड ईयर बोलने में ऐसा अजीब सा लगता है यार, हम थर्ड क्लास के बच्चे हैं अभी तक, सुनने में अजीब सा लगता है, इसलिए थर्ड ईयर ना कहके फाइनल ईयर बोलते हैं, राइट? ऐसे है ना? ओके, सब्जेक्ट आर्ट्स है हमारे साथ, ओके, एंड कितने गर्ल्स हैं यहाँ पर हमारे साथ जिनके घरों में राजस्थानी बोली जाती है? हाँ जी, टेबल पे सामने से कुछ आवाज आई, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपसे बोल रहा हूँ, आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्या कह रहे हो? सभी के नहीं, मुझे नहीं मालूम कि जाते हैं आपस में, इसलिए पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं जिनके घर में राजस्थानी बोलते हैं, बात थोड़ा कर लो, जाना ना आपको देखो, जाना आना जाना, हम लोग यहाँ पर है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो कि हर साल होता है, इस पर पांचवा एडिशन है, पांचवा संस्करण है, और बहुत सारे अवार्ड नाइट आप देखते हैं, जीमा गीमा पीडीसी पंजाबी, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे बहुत सारे अवार्ड शोज आते हैं जिसमें मूवीज को गानों को जो सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा हीरो होता है, हीरोइन होती है, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। वैसे ही राजस्थानी मूवीज को राजस्थानी सिनेमा में योगदान देने वाले बहुत सारे अदाकारों को, बहुत सारे कलाकारों को उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, एक चीज तो ये। दूसरा, राजस्थानी भाषा हमारे किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती कहीं पर राजस्थानी भाषा नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर स्टेट एक राजस्थान ऐसा है जहां पर राजस्थानी भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता ही नहीं है। पंजाब में जाइए आप, पंजाबी कंपलसरी है, आपको सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। गुजरात में जाइए, तेलुगु तमिल कन्नड़ कहीं जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे आपको क्षेत्रीय भाषा पढ़ने को मिलेगी, लिखने को मिलेगी, राजस्थान में नहीं है। हम राजस्थानी भाषा को मान्यता चलाने की मुहिम लेकर चले हैं, उसमें आप सभी लोगों का योगदान चाहिए। योगदान कैसे चाहिए? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के नाम से फेसबुक पे पेज है, आप वहां पे जाके पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, YouTube/A-Series 1000 पे जाके उसको लाइक कर सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है 16th of September को, 14th of September को इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन है, और उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए ये जो कैंपेनिंग चल रही है ये हम लोग यहाँ पर इसलिए लेकर आए, उस कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे वो सारी चीजें आपको अर्पिता बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। गाना राजस्थानी थीम का होना चाहिए, उस गाने में 4 से 5 मिनट का अगर आपका ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, तो कम से कम 2 मिनट का राजस्थानी गाना होना चाहिए, और थीम राजस्थानी होनी चाहिए, बॉलीवुड का मिक्स कर सकते हैं आप, और उस कंपटीशन में जो भी विनर रहेंगे उनको कैश प्राइस है 21,000 का, 21,000 रुपए का कैश प्राइस, और जो सेकंड है उनके लिए है 11,000 रुपए का कैश प्राइस। 16 सितंबर को होने वाले राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में आप में से उस कॉम्पिटिशन में जो भी फर्स्ट और सेकेंड रहेंगे उनका एक डांस परफॉर्मेंस तैयार करवाया जाएगा, और उस डांस परफॉर्मेंस को आप मेन राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द शॉर्ट ब्रीफ ऑफ दिस कंपेनिंग। अब आते हैं हम अपनी बातों, सब लोग राजस्थानी बोलते हैं, सब बोलते हैं, एक छोटी सी कहावत है नॉर्मली ग्रामीण एरियाज में बोली जाती है, गर्रो दड़ी थोकी थोड़ी इसी गड़ी, सब लोग बोलते हैं राजस्थानी अपने अपने घरों में, सिंपल सा, इसका मतलब क्या होता है? टीचर्स आप लोग आपस में नाम वार्तालाप करें, आपसे तो पूछ भी नहीं जा वैसे जी। स्टूडेंट्स, गर्रो दड़ी थोकी थोड़ी इसी गड़ी, मीनिंग पूछ सकते हो आप मुझे जो भी शब्द मैंने आपकी बोले, एनीवन कैन ट्राई, वर्ड का मतलब पूछ सकते हैं लेकिन पूरे का मतलब नहीं बताऊंगा। अच्छा, कौन कौन सी राजस्थानी बोलते हो? शेखावाटी कितने लोग हैं यहाँ पे? शेखावाटी साइड से चूरू सीकर झुंझुनू
कोई भी नहीं, एक एक अकेला मानस है यहाँ। चेकवाड़ी चूरू सीकर झुंझुनू कितने लोग हैं यहाँ पे? अच्छा कोई भी नहीं है। नागौर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, मारवाड़ साइड से। तो फिर आप कौन सी राजधानी बोलते हो भाई? बोलो तो सही, जोर से तो बोलो, आवाज तो निकालो। इधर आओ, आ जाओ। और ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने एफएम ज्वाइन किया था, दो साल किया था आउटस्टैंडिंग ब्रॉडकास्टिंग, लो बीसी से कहते हैं, उस टाइम पे महारानी कॉलेज में जाने का फर्स्ट चांस मौका मिला था, लोगों के लिए आज का दिन है, महारानी कॉलेज में नहीं जाता, नहीं किया कभी भी। रीजन, गर्ल्स पावर। यहाँ आने के टाइम पे भी पहले इन्होंने मुझे बताया था आरएमएम की टीम ने कि आपको पीजी गर्ल्स कॉलेज है यूनिवर्स, वहां पे इंक्रीज करने के लिए जाना है, तो अंदर से धक्का का बैठा हुआ था। गर्ल्स को फीस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गर्ल्स पावर, गर्ल्स की आवाज। लेकिन यहाँ पे तो गर्ल्स की आवाज ही नहीं निकलती। कॉलेज में हो ना? कॉलेज में हो ना? कॉलेज में पढ़ रहे हो? तो अभी भी क्या नीचे से डरते हो? तो फिर कोई आवाज ही नहीं निकल रही, आवाज बाहर ही नहीं आ रही। हाँ, टीचर्स को भी सामने बैठाते ना, डर दिए करते, किसी को बताना चाहिए था। और इस टाइम पे तो थोड़ा सा आवाज निकालो यार, ठीक है, मैं मानता हूँ इज्जत, मान सम्मान सब चलता है, लेकिन यहाँ पे अभी जनरेट घंटा तो धीरे धीरे करके आवाजें निकलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो शो ऑफ करो। और ये पीछे हमारे तो दो तीन बहन जी बैठे हुए, ये तो सोच में पड़े हुए, ये भाषण कर क्या रहे सामने, है ना बेटा? आपसे क्या, आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, ये ब्लू एंड जो लाइन की शर्ट पहन रखी है, इनके पीछे जो बैठे हुए शर्माहट ऐसे रहे हो जैसे कोई मतलब जैसे किसी के जाते ना पिदोरे के लिए, और सूर्य जो पड़ जाते हैं, यार की सोच तो चली जाएगी बाहर तो बता, जस्ट चिल आउट, कूल यार, थोड़ा 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 तो एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ। इससे अच्छा तो अभी हम यूनिवर्स पब्लिक स्कूल, यूनिवर्स पब्लिक स्कूल आपकी के कॉलेज की ब्रांच है, वहां पे गए हुए थे, वहां पे गर्ल्स ने क्या परफॉर्मेंस और क्या एक्टिव थे वो लोग, वो तो स्कूल से निकल के कॉलेज में आने के बाद ऐसे डल हो जाते, अब पता नहीं क्या होगा। स्कूल में थे तब तक अच्छे थे, स्कूल में थे तभी तक अच्छे थे, अब तो फर्स्ट ईयर आ गया, सेकंड थर्ड ईयर वाले फाइनल ईयर वाले ये सोच रहे होंगे, पर फाइनल ईयर से निकलते घर वाले कुछ नहीं करेंगे, सीधा इस तरह उठेंगे, शादी कर दो छोड़ी, वो फिक्र तो नहीं खा रहा है ना। थोड़ा सा कूल हो जाओ, हम आपके साथ में बातें बातें करने के लिए आए, थोड़ा सा बहुत सारी मस्ती करेंगे, डांसेस भी होंगे। जी, कौन सी भाषा बोलते हैं आप? कैसे बोलते हैं? अच्छा, लैंग्वेज बोली जाती है जयपुर और टोंक जिले के बीच का जितना एरिया है यहाँ पे, ये लैंग्वेज ढूंढाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, और इस ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। पता नहीं दीवार ये ढूंढाड़ का एरिया है, शेखावाटी में चोरू सीकर झुंझुनू ये डायलेक्ट्स है इसके, इधर शेखावाटी क्षेत्र की जो भाषा है वो बोली जाती है। जो मारवाड़ की मैं बात कर रहा था, राजस्थानी भाषा का डायलेक्ट है ये, मारवाड़ी जो बोली जाती है जोधपुर, नागौर, पाली और बीकानेर, और थोड़ा सा उधर से ले जाओगे आप दौसा, करौली, स्वाई, माधोपुर, यहाँ की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आएगी। है कोई इधर से हमारे साथ यहाँ? स्वाई, माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, अलवर, कोई नहीं है, बूंदी, टोंक और कोटा से भी कोई नहीं है। अच्छा, जयपुर, जयपुर के कितने लोग? प्रॉपर जयपुर के, जयपुर क्या, जयपुर जिले के चलो। अरे मेरी बहन, सभी तो हैं, लेकिन मैं तो पहली बार आया हूँ कॉलेज में, मुझे क्या पता कौन कौन है, आपके सभी कहने से थोड़ी मान लूंगा मैं कि सभी हैं। जाओ, ठीक से बैठ जाओ। ओके, बस मतलब जयपुर का एरिया है पूरा, प्रॉपर पूरा जयपुर का एरिया है।
ओके चलो डांसेस की बातें करते हैं. डांस फॉर्म्स हमारे राजस्थान में बहुत सारी है. कोई दो डांस फॉर्म के नाम बताएंगे प्लीज आप जो डांस फॉर्म राजस्थान में होती है जिनको मालूम हो सिर्फ हाथ खड़ा करें. बच्चा लोग जिनको नहीं मालूम है मैं तो खासतौर से गर्ल्स से इंटरेक्शन कर रहा हूँ. आप लोग तो ऐसे ही हो वैसे सप्लीमेंट्री लो जो कॉपी नहीं होती मेन कॉपी के साथ में सप्लीमेंट्री कॉपी वैसे आपको बुलाया गया है. जब मेन कॉपी भर जाएगी तब हम सप्लीमेंट्री कॉपी तरफ जाएंगे. कभी यूज किया आपने किसी ने सप्लीमेंट्री के नाम से याद है कभी सप्लीमेंट्री को भी यूज करिए किस किसने करिए सभी लोगों ने किए. हमारे तो मेन कॉपी नहीं भरती थी आपने सप्लीमेंट्री भी यूज करी. ऐसे बेटा सप्लीमेंट्री आपने जिस एग्जाम में यूज की थी उसमें कितने परसेंटेज आए थे जिस क्लास के एग्जाम में आपने सप्लीमेंट्री कॉपी इस्तेमाल की थी उसमें आपके कितने प्रतिशत नंबर आए थे. 80 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
शर्माने का काम इनका है, कुमार शर्मा आ जाओ। राज का तो गर्ल्स भी नहीं शर्माते हैं क्योंकि कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, बॉयज के भी और जेंट्स के भी, शर्माने का तो कुछ काम ही नहीं है। तो बैठे हुए कम लग रहे थे यार, पसीना से पड़ते हो ना हिंद पे, अभी और भी पढ़ने का रहता है या बस अब क्या करें। शंकर लाल यादव, कौन कौन से डांस फॉर्म्स राजस्थान में होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखो, उसकी तो हमारे घरों में जो लेडीज हमारे घर परिवार में शादी ब्याह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसी में बहुत सारे प्रोग्राम्स में दिख जाता है। वो खासतौर से संगीत जब होता है शहरों में तो आजकल बहुत बड़े लेवल पे हो गया, लेकिन हमारे घरों में मतलब ग्रामीण एरियाज में एक ढोलक, एक चम्मच और चाची या मौसी जो कि एज में कम है वो लड़की का रूप धारण कर लेते हैं और दूसरी चाची या मौसी या दीदी जो होती है वो लड़के बन जाते हैं और वो आपस में फिर डांस करते हैं, घर परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। ऐसा कुछ होता है, किसी भी तरह होता है, मोस्टली सभी में होता है, सभी में होता है। ये संगीत का जो बड़े लेवल पे शहरों की तरफ चले जाए तो लेडी संगीत थोड़ा अलग हो गया, घर परिवार के सभी लोग वन बाई वन करके आते हैं, एंकर होता है, साउंड होता है। जी सर बताइए कौन कौन से डांस फॉर्म होते हैं रास्ता में। घूमर, घूमर के अलावा कोई और भी डांस देखा है, ये जिसका भी फोन चू चू कर रहा है भाई साइलेंट पे कर दो। हाँ जी देखा है मगर याद नहीं है। एक सपेरा डांस, सपेरा प्रजाति है, सपेरा जाति है जो खासतौर से उनका अजमेर साइड में रहने वाले हैं बट अभी तो पूरे राजस्थान में इनके मिल जाते हैं। सपेरा जाति का एक डांस फॉर्म है जो राजस्थान में बहुत फेमस है, कौन सा है? उस सपेरा जाति के जो लोग होते हैं वो बीन बजाते हैं और सांप आगे से ऐसे से ऐसे होते हैं, वो नहीं होता। किसने बोला पीछे से? यस आना चलो, थैंक यू, आजिए आजिए सभी साथी। कालबेलिया डांस, घूमर, कालबेलिया और इसके अलावा भी दो तीन हैं, मैं बताऊंगा नहीं आप बताइएगा। जी मैम नाम आपका थोड़ा इतना जाए प्लीज। सीमा लावा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फाइनल ईयर में। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? फिर बोलो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जियोग्राफी, इन तीनों के नाम कृपया करके आप हमें हिंदी में बता दीजिए। जो जो विषय आप पढ़ते हैं वो विषय हमें आप हिंदी में बताएंगे। पॉलिटिकल का था इकोनॉमिक का, जो प्रॉपर्टी
ये विश्व की थोड़ी ओल्ड जियोग्राफी पूरी तरह से है, दूसरी ओर जियोग्राफी का मतलब उसे केबीसी में आपको पाइपलाइन थोड़ी दिया हुआ है, इसके बाद कर दो पहले जी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या होता है वैसे, क्या पढ़ाई करते हैं अर्थशास्त्र? आर्ट्स में आर्ट्स के मतलब मजे अलग होते हैं, नहीं आराम आराम से पढ़ाई करो। मुझे आज अभी चौथा साल है प्राइवेट देते हो, अभी तो उससे क्लियर नहीं हुआ। तो तीन साल से प्लीज सही बता दो, तीन साल से एक ही कॉलेज में आता है मेरा सेंटर, ये शास्त्री नगर में है, कटिलवाल कॉलेज ना है ना, कटिलवाल कॉलेज है तीन साल से। और मास्टर जी जैसे आता हूँ सीट बैठने के लिए, मास्टर जी वो देखते हैं सर क्या हो गया, कॉलेज इतना प्यार थोड़ी ना है, आगे तो बढ़ो। रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शो आ अटकता है, और हम शोज बाई मेल हमारा कन्फर्मेशन होता है, किसी को मना कर नहीं सकते, तो रह जाता है, बड़ा मजा आता है। वो मनु के विवाह तो है ना, उसे कैसे सब्जेक्ट क्या क्या तीन चार तरह के वो राक्षस विवाह, पुराना विवाह, देवता विवाह है ना, ऐसा कुछ है ना। कभी कभार सीरीज लाते हैं 7 दिन वाली, 54 या 55 क्वेश्चन होते हैं उसमें, वो पढ़ लेते हैं। ऐसा आपका सीखते लोग करते हो? चलो थैंक यू जी। अभी अभी यहाँ आपका आंसर तो कुछ है नहीं, मैंने आपने आप क्या बोलने के लिए है थे यहाँ पे, आपने कार में लिया बताया। चलिए थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू। गोमर होता है, कालबेलिया होता है, भवाई होता है, ग्रामीण भवाई होता है। ग्रामीण भवाई देखा किसी ने? वो तलवार रखी होती है और वो ऐसे करके रखता है, फिर वापस कर लेता है। कीले लगी होती है, उसके ऊपर पांव रखता है, सिर के ऊपर मटका, ग्लासेस के ऊपर मटका, देखा ना, देखा भवाई करते हैं। तेरह ताली किसी ने सुना है? तेरह ताली सॉरी जयपुर के अंदर महारानी कॉलेज है, उस महारानी कॉलेज में जब भी फेस्ट होता है, एनुअल फंक्शन होता है, राजस्थानी गाने पे परफॉर्म करने वाली लड़की का ही फोटो उसमें न्यूज़पेपर में दिखाई देता है। और खास तौर से तेरह ताली जानते हैं, तेरह ताली के बारे में, तेरह ताली डांस फॉर्म होता है, टीचर्स आप लोग जानते थे, जानते सर भाई आप से भी जानता तेरह ताली, ये आपने किया नहीं किया, पाओ करवाते हैं आप से किसी ने सर तेरह ताली के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर बताइए सर, तेरह ताली क्या होता है? दो मंदिर हाथी में होते हैं, दो पौनी पे होते हैं, कमर पे होते हैं, और घुटनों के पास में होते हैं, और दो अंगूठों के पास, ऐसे करके 13 मंदिर होते हैं। और जो कमर आदमी होता है, मतलब मेल होता है, वो गाता है, और जो फीमेल होती है वो जी जी आप जानते हैं, इन्होंने जो बताया बिल्कुल गलत है। बड़ा सही तरह से प्लीज जो बताया है ऐसे ऐसे बांधते बांधते थे, गलत है। नाम क्या आपका? इन्होंने क्या पढ़ाते हैं आप? इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, जो कि अभी तकरीबन सभी का बिगड़ा हुआ जीएसटी के चक्कर में। लोक देवता है, और वो जगह है ओगरण के पास, जैसलमेर जिले में ओगरण के पास रामदेवरा एक जगह है, वहां पर उनकी समाधि है। गुजरात से, पंजाब से
एमपी से यूपी से जब उनका मेला भरता है बहुत सारे पदयात्री वहां पर जाते हैं और ये भजन है बेसिकली भजन है और इस भजन पे 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी को खुश करने के लिए उनकी आस्था में वो परफॉर्म किया जाता है और 13 मंजीरे एक नर्तक अपने शरीर के ऊपर बांध के और वो थ्रू द म्यूजिक डांस के थ्रू उनपे बजाते भी हैं और डांस भी करते हैं। सिर्फ 13 ताली। चरी के बारे में कोई जानता है? चरी नृत्य जानते क्या हो फिर आप लोग? राजस्थान के बारे में क्या जानते हो? चलो कोई मुझे राजस्थान के बारे में शॉर्ट ब्रीफ देगा कि राजस्थान के बारे में हम ये जानते हैं। किसी ने हवाई यात्रा करी है? हवाई यात्रा, बस यात्रा करी है किसी ने? कहां से कहां तक गए? जयपुर का बस स्टैंड देखा है? जयपुर के अंदर मेट्रो चलती है, किसी ने मेट्रो की यात्रा करी है? मेट्रो स्टेशन जितने भी हैं, विवेक विहार, श्याम नगर, मानसरोवर, उनपे कलाकृतियां बनी हुई हैं कुछ, देखिए, वो हमारे राजस्थान को बिलोंग करती है, राजस्थान की किसी न किसी क्षेत्र की वो कलाकृति है। आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे, कभी जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा वहां पे राजस्थान की बहुत सारी कलाकृतियां आपको डिजाइन में मिले जाएंगे और ये लूम्बे और समथिंग कुछ एक चीजें होती है जिसे हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट की अलग अलग शॉप्स होती है एयरपोर्ट पे, बहुत सारी खाने पीने की स्टॉल्स मिलेगी आपको और जूते मिल जाएंगे आपको, कपड़े मिल जाएंगे, बकायदा एक शॉप्स होती है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट सबसे पहले देखेगा। चेन्नई अगर आपको जाना जाने का मौका मिले, चेन्नई एयरपोर्ट पे हैंडीक्राफ्ट दिखेगा आपको। मुंबई एयरपोर्ट पे जाएंगे, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट दिखेगा आपको। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का पहनावा, राजस्थान की भाषाएं, जितने भी डायलेक्ट्स हैं, 5 डायलेक्ट्स हैं और बोलियां जो है वो 74 है। कोई जानता है राजस्थान में 74 बोलियां बोली जाती है? 74 बोलियां बोली जाती है और हर 40 किलोमीटर के बाद पहनावा, संस्कृति, उठना बैठना सब बदल जाता है। यहाँ से आप जयपुर से रवाना होंगे ना, चोमो तक जाते जाते आपको भाषा बदल जाएगी थोड़ी सी। चोमो से थोड़ा सा और आगे आएंगे सीकर आ जाएगा, सीकर की लैंग्वेज ही अलग हो जाएगी। सीकर से झुंझुनू की तरफ जाएंगे तो हरियाणा का टच आएगा, और अगर उधर चूरू की साइड पे चले जाएंगे तो बीकानेर का टच आ जाएगा, थोड़ा सा बीकानेर का टच रहेगा, थोड़ा सा शेखावटी का रहेगा, मिक्सअप हो जाता है। ऐसे इस तरह से चेंजेस होते जाते हैं। राजस्थान घूमे हो कभी? राजस्थान के कितने शहरों में किले हैं बताओ? कितने शहरों में किले हैं? बूंदी है, कोटा में है, जयपुर तो है ही है, जैसलमेर है। जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं? जैसलमेर के किले का नाम क्या है? बहुत बोला ये सुनार किला। कौन बोला? कौन बोला? कभी सर। अरे सही बोला है सर, ये रहा। बोला बोला तो बोला सही बोला। किसने बोला? आज बेटा तो सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। सुनार का किला जोधपुर में किला है। नाम क्या है? कौन बोला? जयपाल। जयपाल कौन बोला? कम 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 नहीं प्लीज। जयपाल कौन बोला? जयपाल क्या है वैसे भाई? तुम्हें थैंक यू, बहुत शर्माते हो यार आप लोग। एक काम किया करो, चल एक काम किया करो, यहाँ पे सोनी का मैम कौन है? सोनी का मैम कौन है? हमारे वहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी स्कूल छोटी स्कूल मैम थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि वो डांसिंग और इस तरह एक फोटो सर। अभी काम किया करो,
यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में हर संडे को सभी को घुमा के लाएगा, उन बच्चों से मिलवा के लाएगा। आपसे ज्यादा तो वो स्कूल के बच्चे एक्टिव है, उनको सब कुछ मालूम था, यस ये सब मालूम था। और वहाँ पे भी तकरीबन सबके घरों में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, सब लोग बोलते हैं उसके, लेकिन स्कूल के अंदर आपसे ज्यादा नॉलेज बनते हो, मुझे कहना नहीं चाहिए बट ज्यादा नॉलेज बनते हैं। स्कूल में आके कॉलेज में आके ऐसे हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते दो नहीं कैसे भी अभी बस्ती में कहते हैं लोग कहते हैं कॉलेज से बाहर कर दिए गए, एक बार फिर हो जाए दूसरी बार फिर कॉलेज अभी तो नहीं रखा था बताओ ऐसा। चलो राजस्थान का दिल कौन से शहर को कहते हैं, राजस्थान का दिल राजस्थान का कौन सा जिला या शहर है जिसे, नहीं ये सप्लीमेंट्री वाले नहीं, आप लोग नहीं सिर्फ कॉलेज वाले, आप लोग तो देखो देखो मजे देखो इन लोगों के, नहीं यस ये तस्वीर तो उन्होंने बता दिया, इसलिए टेक्सटाइल सिटी के कौन से शहर को कहते हैं इसको मालूम सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, टेक्सटाइल सिटी स्कूल के बच्चे नहीं कॉलेज वाले। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर या जिला जिसे टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, ठीक। अरे वाह भाई तो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, प्लीज गिफ्ट लाया जाए, थैंक यू सो मच। अच्छा राजस्थान का एक किला है एक शहर भाई, सर इधर से ले लो भाई, पढ़ाया हुआ है, थैंक यू। राजस्थान में एक एक ऐसी जगह है जो हाड़ौती क्षेत्र में पड़ती है, हाड़ौती क्षेत्र है जिसमें तीन या चार जिले आते हैं, जिलों का नाम भी बता दूंगा मैं, उस एरिया में पड़ता है वो जगह है जहाँ का एक किला है जिसके बारे में अबुल फजल ने ये कहा था कि उसकी दीवार के पास खड़े रह के अगर आप देखना शुरू करेंगे तो वो इतना ऊंचा है कि आपके सिर की पगड़ी टाइटली अगर बंधी हुई है तो भी इस पोजीशन में आपका सिर चला जाएगा कि उस पगड़ी नीचे गिर जाएगी। ये पगड़ी की शान में नहीं है, पगड़ी की बेइज्जती में भी नहीं है, ये उस दुर्ग के दीवार की शान में कही गई बात है जो कि अबुल फजल ने कही थी। कौन सा दुर्ग है, कौन सा किला है इसको मालूम हो सिर्फ बात हाथ खड़ा करेगी, कौन बोला है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कौन बोला है, स्कूल वाले बच्चे सप्लीमेंट्री कॉपी हमें चाहिए नहीं भाई, जब चाहिए होगी हम ले लेंगे, हमारी मेन कॉपी भर दो पहले दीदी, इससे हमारे दीदी आओ देना पुलिस ने, ये भी दिक्कत है दीदी बोला देते लोग आ सर मैडम नहीं कह सकते, आइए आइए, क्या नाम है आपका, पूजा, ओके क्या आंसर है आपका, मेरी बहन मुझे ये बताओ कुतुब मीनार राजस्थान में कब से आ गया, चल कोई ना विश ऑल द बेस्ट फॉर दैट, थैंक यू प्लीज। कुतुब मीनार कहाँ है वैसे बाय द वे, दिल्ली में, और आप राजस्थान की बातें कर रहे हैं, कुतुब मीनार राजस्थान में कहाँ से आ गया भाई, और कुतुब मीनार महल नहीं एक मीनार है सिर्फ जी, राजस्थान का ऐसा किला इसकी शान में अबुल फजल ने ये कहा था कि इसकी दीवार को नीचे से लेकर ऊपर तक देखना शुरू करोगे तो देखते 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 आपका सिर इतना पीछे चला जाएगा कि सर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी जी। मैडम जी आ जाइए प्लीज, अब सप्लीमेंट्री का इस्तेमाल करते हैं जी, बताइए सर उदयपुर, उदयपुर में, उदयपुर में क्या है, क्या है उदयपुर में, उदयपुर में जग मंदिर है, उदयपुर में झीले हैं जी, रणथंभौर, क्या कह रहे हो, रणथंभौर, रणथंभौर और टीचर्स
हाड़ोती में, हाड़ोती तो फिर बात नहीं करें, हाड़ोती की बात नहीं करें, हाड़ोती, हाड़ोती नहीं बोला था मैंने। ओके हाड़ोती तो बोला ही नहीं। अच्छा चलो हिंट दिया, हाड़ोती को छोड़ो, गुंडा बेवाड़, बेवाड़ी, बेवाड़ी से तो सही है वो, मैंने बेवाड़ी बोला होगा, बोल दिया होगा वो, बाई मिस्टेक निकल गया होगा मेरी जबान। चलो बेवाड़, बेवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। अभी भी नहीं जी, मैं टीज कर रहा हूँ जी जी। नागौर, गागरोन, ये कहाँ पड़ता है? गागरोन है कहाँ पे वैसे? मैंने सुना है पर मुझे मालूम नहीं है। झालावाड़ पे है गागरोन। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ के किले की खासियत क्या है? 40 किलोमीटर का एरिया है दीवार का, दीवार के एक सिरे से चलना शुरू करेंगे तो 40 किलोमीटर राउंड लगेगा पूरा उसका, और वो सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए बनाया गया था, उसके अंदर फसलें भी उसी उसी में होती थी, खान पान जितना भी चीजें थी सारी व्यवस्थाएं उसी के अंदर होती थी, और दो घुड़सवार उस दीवार पर आराम से दौड़ सकते हैं। सबने चित्तौड़ के किले की बात की है, चित्तौड़ के किले की जो दीवार का जो एरिया है ऐसे पूरा घूम के आएंगे 9 किलोमीटर का, और उसको भेदने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी, खिलजी की सांसें भी सूक गई थी, लेकिन वो भेद नहीं पाया था। आयोग चित्तौड़ के किले को जीत पाया कोई आज तक? कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है? सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान ना, वही की बात है, मतलब बिलो 12th अगर पढ़े तो सामाजिक विज्ञान, और कॉलेज में पढ़े तो समाज शास्त्र, घर वालों के नजर में बहुत बड़ी बात है, क्या क्या पढ़ रहा है? सामाजिक विज्ञान। अच्छा स्कूल में जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, क्या किताब है? समाज शास्त्र, वो नाम ही बड़ा बड़ा होगी। चलिए थैंक यू मैम, ये दीजिए। एंड यहाँ पे कॉलेज में कितने एनुअल फंक्शन हो चुके हैं? कितने एनुअल फंक्शन हो चुके हैं? दो। तो कॉलेज के एनुअल फंक्शन में आप लोगों को भी बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं। आपका एनुअल फंक्शन अलग होता है स्कूल का? यस। तो फिर आप वाले प्रोग्राम में आप इनको बुलाते हो? नहीं बुलाते हो, तो ये अपने प्रोग्राम में तुम्हारे क्यों बुलाएंगे भाई? ये तो इनकी बलवानी देखोगे, चलो ठीक है यार, छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन बुला लिए इन्होंने यहाँ पे, अदरवाइज थोड़ी बुला दिए पहले ही हूँ, हाँ भाई ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो कितने लोग हैं जो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं गर्ल्स में से? गर्ल्स में से कितने बच्चे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वार्षिक उत्सव में? ओके एक दो। ओके आप में से कोई राजस्थान फिल्म फेस्टिवल से एक दिन पहले 14th ऑफ सितंबर को जो डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ग्रुप मेंबर्स चाहिए, कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 20, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल टीचर जो कि इनको तैयार करवाएगा? किसको जिम्मेदारी दे हम जो कि मैम से बात करेगा? वो आपका नाम है। चलो जो भी है आप प्लीज इनसे बात कर लीजिएगा। एंड कितने बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं डांस में कि हमें डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है? यस आ जाओ, आ जाइए प्लीज, आ जाइए। कितने लोग हैं? सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें मेन कॉपी नहीं भर रही है मेरे भाई। यस और कोई आप में से जो डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हो? कम से कम 8 को चाहिए, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और 20 से अगर ज्यादा हो गए तो किसी को लेके नहीं। यस यस प्लीज जगह दीजिए, आप बैठने के लिए थोड़ा पीछे हो जाओ। आप लोग अरे इधर भी तो बैठे हैं,
बालकनी में, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया मेरा। यस, आप लोगों में से कोई डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा? और डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट विनर जो रहेंगे, फर्स्ट आएंगे, उनके लिए है 21,000 रुपए का कैश प्राइज। और वो 21,000 रुपए का कैश प्राइज कॉलेज के नाम से चेक भी दिया जाएगा, आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग कॉमेंट करना। यस यस प्लीज आइए, आ जाए आज। और ये जितने भी एक्टिविटीज, जितने भी बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये आप एज ए वीडियो अपने आप को देख सकते हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के पेज पर जाकर। कुछ भी नहीं करना, फेसबुक खोलना, ऊपर टाइप करना राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, अपने आप खुल जाएगा और वहां पे फिर आपको दिख जाएंगे। आप अपने आप बोले वाह ये तो मैं हूँ, मेरे को किसी को गिफ्ट मिला था, मैं डांस किया था, तब देखिए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड साथ ही यूट्यूब पे YouTube/culturesseries1000 पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, कम से कम 8 तो दो। आप ऐसे कोई परफॉर्म नहीं करता, आप ऐसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है? कोई नहीं, अभी बहुत सारी गर्ल्स शर्मा रही है हमारे जाने के बाद में, नाम लिखवाना तैयारी कर लें। 2, 4, 6 बस 6 लोग, और कोई आप में से कोई भी डांस फॉर्म नहीं करता है? घर वाले मना कर देंगे? सॉरी पढ़वा जा रही से पढ़ा कर, पढ़ने में ध्यान दिया कर, कोई डांस फॉर्म नहीं करते आप लोग? अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो अबो 70% वाले? 70% से ज्यादा वाले, 60 से ज्यादा वाले, दबे दबे 2 हाथ आए, 50 से ऊपर वाले, 40 से ऊपर वाले, जिनके 40% से ज्यादा आते कितने हैं? फिर तो ठीक है, फिर तो आप और हमें सही है। हमने तो खुद धड़ल्ले से पास की थी 10th, सीना ठोक के 44% के साथ। जी माइक का सारा वेपर थे तो फेल कर दे, बट 12th पे आए थे 49%, 49% हैं आप में से भी, हैं आप में से भी 12th में से कि 49% आए हैं? कोई नहीं है? पढ़ाई हमेशा काम नहीं आती है, टैलेंट भी कुछ होता है। 12वीं में 49, फर्स्ट ईयर में 3-4 साल हो गए, 5वें साल में ट्राई कर रहे हैं। लेकिन डांसिंग, सिंगिंग, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं होता। आज हमारे बहुत सारे काम अटक जाते हैं, आप किसी को बोलते हैं साहब हम ग्रेजुएट नहीं है सर, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ग्रेजुएट नहीं हो आप, क्यों मजाक कर रहे हो? वो हमारे इस पर्सनैलिटी को, हमारे आर्टिस्ट को, हमारे एंग्री को देख के सामने वाला बंदा बोल देता है कि आप इतने टैलेंटेड हो, पढ़े लिखे तो होंगे ही होंगे, तो उसको अंदर की बात क्या पता कि भाई 49 से पास है 12वीं, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एग्जाम भी फाइट नहीं कर सकते, शायद ऐसा तो कोई स्टैंड भी नहीं होगा ना सर, 12th में 49 वाले को एलिजिबल मानता हूँ, है ना? तो किसी भी काम के नहीं है, बस एक ही काम अच्छा आता है कि लोग मनोरंजन अच्छा कर लेते हैं। थैंक यू मैम, प्लीज चलिए आ जाइए। आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले, आप पंजाबी मैम? नहीं, मुझे ऐसा लगा बाकी लोग कहां से आते हो? चलो जी, वन बाय वन लास्ट पॉप को यूज करते हैं, आप उधर चले जाओ, दो लोग प्लीज। मैम के लिए गाना कौन सा लाया जाए, प्लीज, राजस्थानी या हिंदी? अभी अभी के लिए राजस्थानी गाना चलाओ जी, राजस्थानी गाना जल्दी से निकालो प्लीज। दशरथ जी चाहिए प्लीज, तब तक मैं कुछ एक गिफ्ट और दे देता हूँ इसको। अच्छा कोई राजस्थानी मूवी का नाम बताओ मुझे, किसी को मालूम हो? उनको उनको
कोई राजस्थानी मूवी का नाम बताओ जिसको मालूम है, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी मैम, हाँ 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 जी हाँ जी, भाई चाली सासरी, बहुत ही प्यारी मूवी थी, बहुत ही सुपर हिट मूवी थी। एंड भाई चाली सासरी में अदाकारा थी, हीरोइन कौन थी? बहुत ज्यादा भीड़ देखते हो, नाम क्या है उनका? सुमन। सुमन कौन सी मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? सर फाइनल ईयर। थैंक यू, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। और जो भाई चाली सासरी के अलावा मैं राजस्थान में कोई गाना इन्होंने बताया था पगड़ी, पगड़ी ना, ओके। पगड़ी के अलावा और भी बहुत सारी मूवीज है। यस जी, सप्लीमेंट्री कॉपी। इसको बोलते ना बोबली, इज द राइट आंसर यार। प्लीज आ जाओ, आ जाओ। और कोई, और कोई इसके अलावा? भाई चाली शास्त्री, बोबली, बहुत सारी मूवीज है राजस्थानी मूवीज। अच्छा एक और बताना है, नानी भाई रोमाय बताओ जी। अपना चलो लंच ब्रेक हो गया अपना आज का। आपके कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लंच ब्रेक कितने बजे होता है? तभी मैं देखो ऐसे पसंद है पीछे पीछे वाले पीछे को मार दिया। ओके जी सर, आपका क्या नाम? क्या सर आपका? लोकेदर सिंह राठौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? नाइन। एट में क्या परसेंटेज थे? तेरह से पंद्रह ज्यादा, पंद्रह परसेंट ज्यादा है। थैंक यू, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। और कोई, और कोई?